हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज से आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स टेस्ट। दोस्तों, इस पूरे टेस्ट सीरीज में जनवरी 2018 से लेकर अगस्त 2018 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और चर्चित क्वेश्चन कवर करूँगा, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहेगा। और ये स्पेशल वीडियो रहेगी रेलवे ग्रुप डी, LP टेक्नीशियन और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और इस पूरे टेस्ट सीरीज में डेली में 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊँगा, उसमें आप सभी को पार्टिसिपेट जरूर करना है। और आपको टाइमिंग रहेगा दोस्तों, डेली 8 बजे इवनिंग में आपको ये वीडियोस मिल जाया करेंगी। और आप सभी को पार्टिसिपेट करके लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, और जिसका सबसे यूनिक आंसर रहेगा, जिस स्टूडेंट का सबसे यूनिक और बेस्ट आंसर रहेगा, उसको मैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम अनाउंस करूँगा, टॉपर का नाम अनाउंस करूँगा। और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की तरफ से आप सभी को सरप्राइज़ गिफ्ट भी मिलेगा उस स्टूडेंट को, ठीक है? तो आप इस पूरे टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरह की डेली वीडियोज़ मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सबसे ताकतवर 25 देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी चाइना, डी भारत। राइट आंसर आपको देना है दोस्तों, और मेरे साथ आपको राइट आंसर जरूर देना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। देखिए दोस्तों, US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर रूस और थर्ड नंबर पर चाइना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सबसे ताकतवर 25 देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? इस राइट आंसर है ऑप्शन है अमेरिका। आपको दोस्तों पार्टिसिपेट जरूर करना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। दोस्तों, यदि आपको ये सीरीज हमारी पसंद आई है, सपोर्ट करने के लिए आप हमें लाइक जरूर करें। लगभग 5000 लाइक्स भी यदि आप लोग कर देते हैं, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है। और हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितने ज़्यादा लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, टेस्ट देने में आप सबको उतना ही मज़ा आएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है जो भी हाल ही में भारत के दौरे पर आए थे? तो इसका ऑप्शन है उन मेकिन, ताओ सेन, मून जे इन, ली मिंग हॉन। इसका राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन सी मून जे इन। ऑप्शन सी मून जे इन। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो हैं मून जे इन, भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए थे, और इस दौरान वह कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति तथा व्यापार एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने जैसे तौर तरीकों पर अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत किए थे, ठीक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मून जे इन। यदि आप लोगों ने हमारी करंट अफेयर्स की डेली वीडियोस देखी होगी, तो आप सभी से क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, ठीक है? तो पार्टिसिपेट जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रेग्जिट सेक्रेटरी का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए डेविड डेविस, एलेंस फर्नांडो, पीटर जोबिस, बोनसिन अपहिल। राइट आंसर देना है दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन ए डेविड डेविस। ब्रिटेन के ब्रेग्जिट मामलों के मंत्री डेविड डेविस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ICWA का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए JPS तलवार, बी हरमिंदर सिंह, सी TS राघवन, डी योगेश पंवार। राइट आंसर है दोस्तों, आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी TS राघवन। भारत के उपराष्ट्रपति और विश्व मामलों के भारतीय परिषद के अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर TS राघवन को ICWA का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए देवेंद्र बर्मन, बी आशुतोष खोसला, सी नरसिम्हा रेड्डी, डी विवेक कौशल। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सी नरसिम्हा रेड्डी। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में L नरसिम्हा रेड्डी को नियुक्त किया गया है, और नरसिम्हा रेड्डी पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नरसिम्हा रेड्डी। आई होप आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। लास्ट में आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में सबमिट करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उनजुंग, बी डेविड कॉर्नर, सी अल मसीह, डी जोस एलाडियो। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है डी जोस एलाडियो। भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के अध्यक्ष के रूप में उरुग्वे के मेजर जनरल
जोस एलाडियो को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहली बार इंटरनेट टेलीफोन सेवा आरंभ की है? ऑप्शन ए वोडाफोन, बी आइडिया, सी जियो, डी बीएसएनएल। राइट आंसर बताइए दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन डी बीएसएनएल। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने जुलाई 2018 से देश में पहली बार इंटरनेट टेलीफोनी सेवा शुरू की है। ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की आज़ादी से संबंधित किस सेवा को भारत में आरंभ किए जाने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए नेट न्यूट्रलिटी, फ्री वाईफाई, सी एक्सेस पॉइंट, डी मुक्त वॉयस कॉल। राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेट न्यूट्रलिटी। भारत में लंबे समय से नेट न्यूट्रलिटी की मांग की जा रही है, जिसके तहत 11 जुलाई 2018 को भारत सरकार ने नेट न्यूट्रलिटी को मंजूरी प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में से कौन से स्थान पर आती है? ऑप्शन ए है चौथा, बी है पाँचवा, सी है छठा या फिर डी सातवां। राइट आंसर बताना है दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन सी छठे नंबर पर। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत ने फ्रांस को एक स्थान पीछे करते हुए यह स्थान हासिल किया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी छठे। 10th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जुलाई को, बी 11 जुलाई को, सी 12 जुलाई को या डी 13 जुलाई को। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन बी 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 11th नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस स्थान पर MSME के लिए भारत कोरिया टेक्नोलॉजी एक्सचेंज केंद्र की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए है नागपुर को, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली या डी चेन्नई। तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। भारत और दक्षिण कोरिया के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSME को साझा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई दिल्ली में भारत कोरिया टेक्नोलॉजी एक्सचेंज केंद्र की स्थापना की गई है। तो यानी ऑप्शन सी राइट है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में स्थित ब्रिटिश सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है ईरान, सी है सीरिया या डी अफगानिस्तान। दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन डी अफगानिस्तान। ठीक है, देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान की अस्थिर सुरक्षा स्थिति में मदद करने के लिए वहाँ सैनिकों तथा सैन्य साजो सामान में वृद्धि करने के लिए ब्रिटिश सरकार अपने सैनिकों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने लॉन्ग मार्च 2C प्रक्षेपण स्थल से पाकिस्तान के लिए एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 समेत दो पाकिस्तानी सैटेलाइटों को प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन ए रूस, बी पाकिस्तान, सी चाइना, डी नेपाल। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है सी चाइना। देखिए दोस्तों, चीन ने अपने लॉन्ग मार्च 2C प्रक्षेपण स्थल से पाकिस्तान के लिए एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 समेत दो पाकिस्तानी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है, यानी ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर में सब्सिडी वाली जमीन पर बने निजी अस्पतालों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मुफ्त इलाज करने के लिए हाई कोर्ट से फैसले को बरकरार रखा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी आगरा, सी पटना या डी जयपुर। राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सब्सिडी वाली जमीन पर बने निजी अस्पतालों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मुफ्त इलाज करने के लिए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाले पहले भारतीय और विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? ऑप्शन ए है ऋषभ पंत, बी हार्दिक पांड्या, सी रोहित शर्मा या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी रोहित शर्मा। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाले पहले भारतीय और विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। आई होप आप सबने ये टेस्ट सीरीज सॉल्व की हुई करंट अफेयर्स का, तो प्लीज़ यदि सॉल्व की तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने 15 में से कितना स्कोर किया है। और यदि आप लोगों ने यूनिक और बेहतर आंसर जो है तो कमेंट बॉक्स में करेंगे तो आप सबको एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। जो भी टॉपर जिसका सबसे बेस्ट आंसर रहेगा उसको आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम भी अनाउंस करूँगा।
यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए, जिससे मैं अगली वीडियो जरूर लाऊं। यदि 5000 लाइक्स भी आप लोग कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू रखना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।